गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी आज हम लोग बैठे हैं, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 7:30 या फिर 7 o'clock, मुझे ठीक से नहीं पता था। और यहाँ बालकनी में बैठे हैं आज हम लोग, क्योंकि बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और अंदर ना एकदम से सफोकेशन होने लगता है मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि अभी एसी वगैरह ऑन नहीं किए हैं और कूलर वगैरह कुछ भी ऑन नहीं है, सिर्फ फ़ैन में ही काम चल रहा है। तो अभी हम लोग बाहर आके बैठे हुए हैं, यहीं पर बैठ के हम लोग चाय पी रहे हैं और थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं। ये घूमने गए थे, वहीं से वापस आए हैं, तो हम लोग आज यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं चाय पीने में कंपनी दे रहे हैं मुझे चाय पीने में। क्यों, मैं डेली साथ नहीं देता? ये डेली देते हो ना, आज सब लोगों के साथ में है ना। तो आज की डेट है क्या है, आज की डेट आप बताओ, आज की डेट क्या है? चलो मे बी 9th May है। और आज डे सैटरडे। जी हाँ, तो आज सैटरडे है, मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है मैंने। और ये देखो, मैंने कल बनाए थे बिस्किट, ये देखो मैंने कल आटे के हेल्दी बिस्किट बनाए थे, जो कि हम चाय के साथ एंजॉय कर रहे हैं। थोड़े से बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, लेकिन बहुत ही टेस्टी बने हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं और खाने में काफ़ी टेस्टी हैं। बहुत टेस्टी हैं। और देखो एकदम करारे बने हैं, है ना, एकदम क्रिस्पी खस्ता। आटे के हैं तो हेल्दी हैं, ट्राई जरूर करना, रेसिपी श्रद्धांजलि की रसोई पे है। और वो चाय पीने के बाद अभी मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं, तो आज पता है काम कौन करने वाले हैं? आज हम लगाएंगे पति नाम के प्राणी को काम पे। और उसे बुला लूं प्राणनाथ, बताओ आज प्लीज थोड़ा सा काम करवा देना प्राणनाथ के प्राण ले लो क्योंकि ना अकेला जो मुझे काम कराने, अगर वो काम मैंने कर लिया तो शायद मुझे हाथ पैर ना टूट जाए, अगर मैं गिर गई ना ऊपर से। क्या करना है, थोड़े से फैन वगैरह साफ कर देना, बहुत गंदे हो रहे हैं। और कल ना संडे, वैसे संडे में करने की सोच रही थी, लेकिन संडे को ना कोई काम करने का मन करता नहीं, ऐसा लगता संडे है भाई, आराम करो एंजॉय करो, है ना। संडे एंजॉय करने के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ आज ही निपटा देती हूँ, तो देखते हैं किस हद तक हमारा काम होता है। आज क्लीनिंग करनी है, मतलब मुझे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग है, आप कह सकते हो। पहले चाय को फिनिश करें और आप लोग बताना कि आपके शहर का क्या हाल है अभी लॉकडाउन में, मतलब कैसा माहौल है, अभी कितने पेशेंट हैं और क्या, मतलब कैसा चल रहा है, सब ठीक है? और अपना ध्यान रखिए आप लोग। और हमारे यहाँ दिल्ली में कुछ शॉप खुल गई हैं कल से, है ना, स्वीट्स वगैरह की, और थोड़ा बहुत मतलब खुल गया है मार्केट। और गैस एक बात बताऊँ, जब हम 5 बजे सुबह घूमने जाते हैं तो जो शराब की दुकानें खोल रखी हैं गवर्नमेंट ने, मैं इस जो गवर्नमेंट का ये डिसीजन है, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि और भी कई रास्ते थे, अर्थव्यवस्था, ज़रूरी नहीं है कि शराब पिलाने से ही अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी, तो और भी रास्ते हैं, तो ये बड़ा घटिया किस्म का है। और भाई ये लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, 5 बजे से लोग लाइन में लगे हैं, 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। कल मैं आपको दिखाऊंगी, हो सकेगा तो नेक्स्ट व्लॉग में, 5 बजे से लोग लाइन में लग जाते हैं उस चीज़ के लिए जिससे कभी भी उनको बेनिफिट तो मिलने वाला है नहीं। ऐसे उनको बोलो कि जाओ कुछ लेके आओ, तो नहीं जाएंगे सुबह सुबह उठ के, लेकिन देखो उस चीज़ के लिए कितने लिए लाइन में भी लगना पसंद है उन लोगों को। हाँ, और एक तो वो वीडियो भी चल रहा था ना, कहाँ का चल रहा था, नैनीताल का वो वीडियो चल रहा था, वहाँ तो ओले बरस रहे थे और लाइन में लगे हुए हैं, बताओ ओले में और लाइन में लगे हुए हैं सिर्फ दारू के लिए। मतलब शराबियों का भी जवाब नहीं है, डेडिकेशन है शराब के प्रति। तो रात को कितने भी बर्तन क्लीन करके क्यों ना सो, मैं फिर भी ना मॉर्निंग में होते होते इतने सारे बर्तन हो ही जाते हैं, पानी के हैं, चने भीगने डालती हूँ वो हैं, बाटल वगैरह हो जाती हैं, तो ये सारे बर्तन जो है वो मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि थोड़े से ही थे और थोड़े थोड़े करके जब रहने देते सोचते कि बाद में कर लेंगे, तो थोड़े थोड़े करके बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं और फिर एक साथ में काम मतलब साफ़ करने में प्रॉब्लम भी होती है, आलस भी आता है। तो ये देखिए बर्तन क्लीन हो गए, मॉर्निंग के बर्तन हैं सारे। और यहाँ पे ये देखिए चने भी मैंने बॉईल कर दिए हैं, चने की चाट बनानी है क्योंकि ब्रेकफास्ट तो चाहिए भाई अभी थोड़ी देर में। तो चलिए किचन को बाद में समेटेंगे, पहले मैं इधर का करवा लेती हूँ।
और आज ना ये वाली बालकनी जो है, ये छोटी वाली बालकनी है ना बेडरूम वाली, उसको देखो क्या फैलाया है भाई। इधर ना बड़ी वाली जो टंकी, पानी वाली जो टंकी होती है ना, वो टंकी रखी हुई थी तो वो भाभी को दे दी है पानी के लिए, उनको यूज में लेनी है। और ये देखो यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बॉल है ना, अरे ऐसे टाइम पास करोगे ना फिर तो टाइम पास नहीं है, ये 8 बज गए क्या मैच होता है ना शाम को, तो ये बॉल दिखती नहीं क्योंकि ये इस तरह से हो गई, कई बॉल फट गई, लोकल बॉल मिल रही है, ठीक से बॉल नहीं मिल रही, तो अब इस वाली बालकनी को समेटना पड़ेगा मुझे, इसको वाइट कर रहा हूँ, इसको समेटना पड़ेगा। और ये देखो मेरा ये ना खराब हो गया, इसको देखती हूँ क्लीन करती हूँ, साफ होता है तो ठीक है, चले लगे काम पे। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 o'clock ही देखिए, और बहुत सारे काम करने हैं अभी मुझे, तो पूरा घर जो है मैसी है अभी, देखते हैं। ये देखो पूरा घर, चलो फिर लाओ मैं करूँ वहां से स्टार्ट। गाइस हमारे बेडरूम में ना इतनी अच्छी विंडो है, इतनी अच्छी बालकनी है, लेकिन बिल्कुल भी हम इसका यूज नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ से इतने सारे मच्छर आते हैं। और ये देखिए बाहर का व्यू, क्योंकि ना इसमें पहली बात तो कोई जाली नहीं है, मैं यहाँ से अंधेरा दिख रहा है ना, तो इसमें क्या है कोई जाली नहीं है, और जाली होती ना तो फिर मच्छर जो है अंदर तक नहीं आ पाते, लेकिन हम इसको नहीं खोलते हैं, बहुत ज्यादा मच्छर आते हैं, बाहर से बहुत अच्छा व्यू भी आता है, यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठंडी ठंडी सी हवा भी आती है, लेकिन कुछ नहीं ले पाते हैं ना, तो कोई मतलब ही नहीं है। आज मैंने कभी कभी मैं खोल देती हूँ जिससे ना ये जो बेडरूम में जो सफोकेशन होता है ना वो ठीक हो जाए, थोड़ी सी बाहर की फ्रेश एयर आए, जैसे कि अभी आ रही है, अच्छी हवा चल रही है क्योंकि सुबह का टाइम है ना, तो ये मैंने गेट भी खोल दिया, बालकनी भी खोल दी, इसमें बहुत जल्दी जाली लग जाएगी शायद, मेरे ख्याल से बन तो गई है ना, बन गई है बट लगी नहीं है क्योंकि अभी कोई काम नहीं चल रहा है ना, इसलिए बात है कम काम ज़्यादा। तो चलिए मैंने अपनी कमर कस ली है और कपड़ा लेके आ गई हूँ फटाफट से बेडरूम में, बातें तो बहुत हो जाती हैं और अगर ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो फिर आपको पता है कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है, काम करने में तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, वैसे घड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है। तो गर्मी क्या होता है ना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, सुबह से ही गर्मी लगने लग जाती है, तो फिर मन नहीं करता काम करने का, और ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे बहुत स्वेटिंग होती है, तो मन करता है कि कर लो फिर करता है कि नहीं करो, मतलब डेली ऐसे ही हो रहा था 3-4 दिन से, मैं डेली सोच रही थी कभी थर्सडे पड़ जाता है कभी ट्यूसडे पड़ जाता है, आज सैटरडे था, हम लोगों ने सोचा कि चलो कर लेते हैं संडे में फिर आराम कर लेंगे, तो बस लग चुके हैं काम पे। और मैंने यहाँ पे जो ऊपर इतने सारे टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं अलमीरा के ऊपर, तो इन पे भी थोड़ी थोड़ी डस्ट आ ही जाती है, वैसे मैं हल्का फुल्का डस्टिंग तो करती ही रहती हूँ, लेकिन हाँ उठा उठा के मैं ये थोड़ा सा डीप क्लीनिंग हो जाती है, तो बस अच्छे से मैं इनको झटकार दूंगी। और अभी इतने गंदे तो नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने निकाले थोड़े दिन पहले ही, तो इनको धोने की तो ज़रूरत है नहीं, तो बस इस तरह से झटकार के ही मैं रख दूंगी और पूरे अलमीरा को अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दूंगी। साथ में ही ये गेट वगैरह हैं, ये जो विंडो है यहाँ भी डस्ट आ ही जाती है, भले ही हम कितना भी गेटों को बंद रखें कितना भी विंडो को बंद रखें फिर भी मिट्टी पता नहीं कहाँ से आती है, डस्ट कहाँ से आती है। तो अभी तो मौसम जो है हर दिन ख़राब हो जाता है, तूफान आंधी आ रहे हैं, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है इस टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी ही पड़ जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने फ़ोटो वगैरह और बेड वगैरह सब कुछ अच्छे से मतलब डस्टिंग कर दी है। और यहाँ पे अच्छा मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप झाड़ू से पहले मतलब झाड़ू के बाद किया करो डस्टिंग, तो मैं कभी कभी झाड़ू के बाद कर लेती हूँ, वैसे झाड़ू लगाने में इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं होती है, तो मैं इस तरह से पहले कर लेती हूँ, फिर बाद में करने में आलस आता है, फिर झाड़ू लगाने के बाद तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि लगता है कि बस पोछा लगाओ फटाफट से नहाने के लिए भाग जाओ, तो इसलिए मैं पहले कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और हाँ जब लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है तो फिर बाद में भी कर लेती हूँ, और दिन में 2-3 बार तो मैं बताऊँ इस तरह से 1-2 बार हाथ तो हमारे साफ़ हो ही जाते हैं हर जगह, मतलब मुझे लगता है ना कि यहाँ पे थोड़ी सी भी मिट्टी दिख रही है वहाँ मैं तुरंत साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे मिट्टी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती है कहीं भी, मतलब डस्ट बोल रही हूँ मैं, मिट्टी मिट्टी बोल रही हूँ बार बार, डस्ट अगर कहीं भी थोड़ी सी भी दिख जाती है ना तो मुझसे रहा नहीं जाता, तुरंत कपड़ा लेके आती हूँ, ऐसी मेरी आदत है, मैं ना घर में चप्पल पहन के रहती हूँ, अगर मुझे थोड़ी सी भी किस अगर दिख जाती है ना तो फिर मैं तुरंत झाड़ू उठाऊँगी, और हर बार झाड़ू उठाना भी अच्छी बात नहीं होती है, हर बार झाड़ू के हाथ करो, इसलिए मैं चप्पल पहन के रहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ना डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो सारी चेयर वगैरह मैंने ये
टेबल वगैरह के कवर वगैरह सब कुछ झटकार दिए हैं और ये बीच में पता नहीं कहाँ चले गए थे, तो इनके लिए गेट खोले हैं मैंने, ये आ गए वापस से। इन्होंने भी करवाए थे थोड़े बहुत काम, जो मेन काम था वही मैंने इनको दिया था, बाकी के तो सारे मेरे ही काम हैं। मैंने इनको बोला था कि आप फ़ैन अच्छे से साफ़ कर देना बस, तो आज मैं यहाँ की बेडशीट भी चेंज कर ही देती हूँ क्योंकि एनिवर्सरी वाले दिन मैंने इसको बिछाई थी और हो गए हैं 2 से 3-4 दिन, तो मैं इनको इसको उठा देती हूँ, झटकार देती हूँ, दोनों बेडशीट चेंज कर दूँगी आज मैं। नहीं शायद अंदर वाले बेडरूम की तो मैंने नहीं की थी, यहीं की कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मुझे भी बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, क्लेचर डला हुआ था वो भी मैंने अपने बालों में ही लगा लिया, 2-2 क्लेचर लगा के घूम रही हूँ और अच्छे से मैं झटकार दिया है। दूसरी न्यू बेडशीट बिछाते हैं तो एकदम मतलब न्यू सा लगने लगता है ना, कुछ भी हो मतलब हम अगर थोड़ा सा भी चेंज कर देती है ना घर में तो मतलब ऐसा लगता है कितना अच्छा लगने लग जाता है ना, चाहे वो बेडशीट हो या फिर कर्टन हो या फिर कोई डेकोरेशन हो घर से रिलेटेड, कुछ भी हो अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दो तो मज़ा आता है फिर, है ना। तो बस और मुझे तो बहुत पड़ती है फटाफट चेंज करने की, मैं 3 से 4 दिन में बेडशीट वगैरह चेंज कर ही देती हूँ और यहाँ मैं इनसे भी बातें करती जा रही हूँ। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं डस्टिंग वाले, इनको मैंने एक मतलब जो ख़राब हो गया था मेरा प्लो कवर वो मैंने दे दिया है। आप इस तरह से क्लीन करेंगे फ़ैन को तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है और गंदगी बिल्कुल भी नहीं होती है, और क्योंकि इसको जब ये एक बार ज़मीन पे गिर जाता है ना तो फ्लोर पे तो उसको ना साफ़ करना मुश्किल होता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है और मार्बल और टाइल पर तो बहुत जल्दी दिखता है वाइट कलर पर, तो इसलिए मैंने इनको एक प्लो कवर दिया है और इसको इन्होंने प्लो कवर को इस पंखड़ी के अंदर फ़ैन के अंदर आप देख सकते हैं डाल दिया है और इसको पूरा सा अच्छे से रब करते हुए लेके आएंगे जिससे पूरी जितनी भी गंदगी है वो प्लो कवर के अंदर ही रह जाएगी। तो इस तरह से फ़ैन को क्लीन करने से गंदगी बिल्कुल नहीं होती है, उड़ता भी नहीं है धूल मिट्टी और फ्लोर भी हमारा साफ़ रहता है। तो ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, इस तरह से ये इसके अंदर डालेंगे प्लो के अंदर और अच्छे से साफ़ कर देंगे। नमस्ते भैया, आ गए नीचे आ रही हूँ आज मैं। तो कूड़े वाले भैया आए, मैं कूड़ा डालने जा रही हूँ और ये देखो ये अपने काम में लगे हुए हैं, मैंने तो अपने सारे काम कर दिए। करो। तो इन्होंने फ़ैन की डस्टिंग तो कर दी है, अब मैं इनको एक गर्म पानी बना के दे रही हूँ, ये मैंने गुनगुना पानी लिया है, इसमें डालूँगी एक पाउच शैम्पू का, कोई भी शैम्पू डाल दीजिए। तो यहाँ मैंने एक पाउच डाल दिया है शैम्पू का और इसको अच्छे से इसमें घोल बना लेंगे, इसमें कपड़ा डिप करके अच्छे से भिगो करके और निचोड़ के मैं इनको दे दूँगी जिससे ये फ़ैन को अच्छे से साफ़ करेंगे। तो मैंने क्लीनिंग के लिए पानी तो रेडी कर दिया है लेकिन ये बोले कि पहले मैं बेडरूम वाले की भी डस्टिंग कर देता हूँ, तो उसके बाद क्या है बार बार मुझे ये वाले हाथ नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे पहले डस्टिंग इसकी कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इसकी धूल मिट्टी, उसके बाद फिर इसको पानी से अच्छे से क्लीन करेंगे। तो मैंने इनको दिया है शैम्पू वाले पानी में कपड़ा भिगो करके और इसको ये अच्छे से क्लीन कर देंगे और ये बिल्कुल न्यू हो जाएंगे फ़ैन, है ना, चमचमा जाएंगे। सही बताओ मालकिन। सच में मालकिन नहीं मालिक जी सही बोल रही हूँ मैं हम तो नौकर हैं साहब। नहीं ये मुझे बोल रहे हैं मालकिन और ये बोल रहे हैं खुद को नौकर मैंने आज पति देव को नौकर बना दिया क्यों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, घर का काम करने में कोई नौकर नहीं होता, फिर मैं तो डेली ही काम करती हूँ। नहीं नहीं भैया, डस्टिंग करते करते 1 से 2 घंटे हो गए हैं और अब मुझे लगानी है झाड़ू, और ये जो झाड़ू है ना ये कल न्यू आई है, ये देखिए। तो कल फ्राइडे था ना तो मैंने कल ही मंगवाई थी और कल ही मैंने इसे थोड़ी सी मैंने झाड़ू निकाल दी थी मतलब इवनिंग के टाइम पे, जिससे ना कल फ्राइडे था तो अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो सैटरडे को कोई भी न्यू चीज़ लेते नहीं है और उससे कुछ झाड़ू वगैरह लगाते भी नहीं है, तो ये मैंने आज इससे मैं झाड़ू लगाऊंगी। बहुत दिन से मेरी पुरानी वाली झाड़ू ना ख़राब हो रही थी, मैं पूरा करके झाड़ू निकालती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आप देख सकते हो मेरा हाल बेहाल।
तो ये देखिए सारे घर के काम हो चुके हैं, ये कर रहे हैं पूजा, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा अभी। तो जब मुझे मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, मुझे टाइम लगता है, तो ये फिर जल्दी से नहा करके पूजा कर लेते हैं, क्योंकि पूजा में लेट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये देखिए पूरी नीट एंड क्लीन मैंने पूरा घर कर दिया है, किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और ये देखिए फ्रिज वगैरह भी मैंने सब सेट कर दिया है। और ये बेडरूम पहले कितनी बुरी हालत हो रखी थी, है ना, और पता नहीं रात होते होते ना फिर भी बुरी हालत हो ही जाती है, सारा सामान फैल ही जाता है। हर दिन मैं ये ऐसे ही क्लीन करती हूँ। और ये बाहर वाला जो हॉल है इसको भी मैंने अच्छे से सेटअप कर दिया है, और अब बहुत अच्छा लगता है क्लीन होने के बाद, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह घर में। और जब तक घर की जो सफाई नहीं होती है ना, तब तक पता नहीं कैसा लगता है सुबह उठ करके। मुझे सबसे पहले यही लगता है कि जल्दी से मैं क्लीन कर लूँ, फिर कोई काम करूँगी। मैंने शावर ले लिया है और सारे काम हो गए हैं। अभी मैंने जैसे कि आपको दिखाया था, नीट एंड क्लीन है पूरा घर। अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, जो कि हेल्दी है। तो मैं बना रही हूँ ये काला चना की चाट, जो कि मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो चलिए फिर इन्हें बनाते हैं, फटाफट खाते हैं, फिर उसके बाद मुझे लंच भी बनाना है। तो काला चना चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बॉयल आलू लिए हैं, कुकुम्बर लिया है, कोरिएंडर लिया है, और मैंने यहाँ पे अनियन लिया है। सभी को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये जो चाट है बहुत ही हेल्दी है और इसमें कोई ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। इसमें आप और भी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे आप इसमें बीट रूट डाल सकते हो, और भी जो भी सैलेड आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए, और जो भी नहीं है उनको आप स्किप कर सकते हो। बना हुआ जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा काला नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ टोमेटो केचप, जिससे आप इसमें हरे धनिया की चटनी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाली थी क्योंकि मेरे पास थी नहीं। और अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत झटपट से बन जाती है और हेल्दी भी है, और जल्दी से बन जाती है तो मतलब बहुत ज़्यादा काम भी नहीं फैलता है इसमें, और अच्छी भी लगती है। मैंने इसमें आंधा नींबू का रस डाल दिया है, और यहाँ मैं फ्रूट सैलेड तैयार कर रही हूँ। उसमें मैंने एक बनाना लिया है और ये ग्रेप्स लिए थोड़े से, ये डाल दिए मैंने, और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और इसमें थोड़ा सा मैं ऊपर से चाट मसाला डाल दूँगी। तो ये हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी है, बहुत ही झटपट वाला है, बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है, और बस और क्या बोल सकती हूँ मैं आपको। आप सब लोग भी आ जाइए, इंजॉय कर लीजिए। तो आप भी ट्राई करना इस चाट को, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो, पनीर वगैरह जो भी कुछ आपको इसमें ऐड करना है। तो इन्होंने ना यहाँ पे ये देखो, ये हमने यहाँ पे कर्टन लगा दिया है, क्योंकि ना ये बेडरूम में जरूरी भी था, और गेट बंद करके सोते थे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, और खोलते थे तो मच्छर अंदर जाते थे। तो अब ना हम आराम से गेट अपना खोल सकते हैं और इसको लगा देंगे तो मच्छर नहीं आएंगे। और मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते की सब्जी, उसी की तैयारी कर रही थी, और तो ये काम भी बहुत ज़रूरी था करवाना। और ये जो है ना फूलों की लड़, ये यहाँ पर लगी हुई थी, मैंने इसको यहाँ पर लगवा दिया है, और ये दोनों कोने पे हो गई है, यहाँ हो गई है और ये यहाँ हो गई है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे बेडरूम पे लगा हुआ था, लेकिन अब ये मैंने कर्टन की वजह से यहाँ पे लगवा दिया है इसको। कपड़े बाहर डाल दिए सूखने के लिए, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और खाना, मतलब अभी भूख नहीं लग रही है, लेट ही खाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को विश कर देती हूँ, है ना, जिनकी भी बर्थडे एनिवर्सरी है, डेली मैं भूल जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। सोच रही हूँ, ये बोल रहे कि अभी क्यों बना रही हूँ, भूख तो लग नहीं रही है, अभी बज रहे हैं 11:30, बोल रहे आराम से बना लेना 1 बजे तक। तो मैं सोच रही हूँ सब्जी सब्जी बना के रख देती हूँ, उसके बाद फिर रोटियाँ मैं तभी बनाऊंगी जब ये खाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं सब्जी बना के आती हूँ, फिर आप सभी को मैं विश करती हूँ। तो सब्जी मैंने बना दी है, लौकी के कोफ्ते बनाए हैं लंच में, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि ये वाला ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और आज बहुत दिन के बाद ये वाला रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है, मतलब मॉर्निंग रूटीन, और डीप क्लीनिंग की है पूरे घर की, अच्छे से सफाई हो गई है आज। तो कल संडे है, संडे में हम लोग करेंगे इंजॉय, क्योंकि संडे को ज़्यादा काम करने का मन करता नहीं है। तो फिर चलो इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी, उससे पहले मैं कुछ लोगों को विश कर देती हूँ। बहुत सारे नाम मैंने नोट कर लिए हैं, लेकिन डेली मैं विश नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ।
चलो आज मैं उनको विश कर देती हूँ। सबसे पहले हैं संगीता त्रिपाठी जी, इनकी एनिवर्सरी थी 2 मई को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डियर। नेक्स्ट हैं कुसुम एंड रमेश जी, इनकी एनिवर्सरी थी 28 अप्रैल को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नेक्स्ट हैं भरत गुप्ता जी, इनकी एनिवर्सरी थी 28 अप्रैल को, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और नेक्स्ट हैं मिली, इनका नाम मिली है और इनका बर्थडे था 27 अप्रैल को फ्रॉम USA, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो हमेशा। नेक्स्ट हैं रंजना सांवले जी, इनकी एनिवर्सरी थी 29 अप्रैल को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मैं कितना लेट विश कर रही हूँ ना, उसके लिए सॉरी आप सभी को। मोनिका तिवारी जी, इनकी एनिवर्सरी 6 मई को थी, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नेक्स्ट हैं सुजाता जैन जी, इनका बर्थडे था 27 अप्रैल को, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। नेक्स्ट हैं मानस भी, और इनका बर्थडे था 10 मई को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट हैं नेहा कुमारी जी, इनकी एनिवर्सरी थी 3 मई को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नेक्स्ट हैं सूर्यांश कुमार जी, इनका बर्थडे है 12 मई को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। बस इतने ही नाम मुझे लेने थे, सबके नाम मैंने ले लिए हैं, विश कर दिया है। थोड़ा सा लेट विश किया है, जिनका बर्थडे एनिवर्सरी निकल गई है उनके लिए सॉरी दिल से, लेकिन विश कर दिया है मैंने। और कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता है तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। और आप लोग चाहते हो कि मैं मतलब फ्रंट कैमरे से आप सभी को विश करूँ, इसलिए मैं फिर बैक कैमरे से नहीं करती हूँ। कभी कभी मुझे याद भी आ जाता है एडिट करते टाइम पे, फिर मैं सोचती हूँ चलो फ्रंट कैमरे से ही मैं आप सभी को विश करूँगी। फेस टू फेस बात करते हैं तो बात ही अलग होती है। तो चलो फिर, ये भी यहाँ पे आ गए हैं, ब्लॉग को एंड करेंगे इनके साथ। आज इन्होंने भी ना बहुत हेल्प की है, बहुत ज्यादा काम करवाया, थैंक यू सो मच। ओके, और क्योंकि ये सारे जो काम होते हैं ना, फैन वगैरह क्लीन करना, ये हमारे बस की बात नहीं होती है, मतलब अच्छे से यही कर सकते हैं। और मेरी तो इतनी हाइट भी नहीं है कि मैं तो सारे स्टूल वगैरह भी रख लूंगी ना, फिर भी नहीं पहुंच पाऊंगी, तो इसलिए थोड़ा सा टफ होता है मेरे लिए ये सारे काम करना। बाकी के सारे काम मैं कर लेती हूँ, नहीं जाले वाले निकालने होते हैं वो सारे काम मैं कर लेती हूँ, बस ये फैन वाले जो काम होता है मैं इनसे कराती हूँ, बाकी के सारे काम मैं कर लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की, आज सारे फैन साफ कर दिए और फैन एकदम से चमक गए हैं, न्यू लगने लगे हैं। और अब इनकी जो हवा आ रही है ना, वो एकदम फ्रेश आ रही है ना, तो अब घर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ। और ये मेरा मॉर्निंग रूटीन आप सभी को कैसा लगा जरूर बताएगा, और मेरा वर्क कौन कौन देखना चाहता है ये भी बताएगा। मैं फिर से शूट करूंगी, आप सभी लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं वो वाले व्यू को लेकर के, तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से शेयर करेंगे आपके साथ, और कहाँ जाते हैं कैसे जाते हैं सब कुछ शेयर करेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, बाय। और हाँ, जो लौकी के कोफ्ते हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखिएगा, उसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी। बाय।